ডাকিছিল বনি আসিছিল ধান তু ডাকিছিল বনি আসিছিল ধান নাজরীন কিরাম আসসালামু আলাইকুম আদাব আজ আমারে বীচ ওড়িশা কে এক কোনামাস শায়র जनाब कुदरत अली कुदरत साहब हमारे बीच हैं। आज हम उनके दौलत कदर पर भुवनेश्वर में उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको दोबारा उनके बारे में यही बताना चाहूंगा कि वो जितने अच्छे उर्दू के शायर हैं उतने अच्छे उड़िया के भी कवि हैं। और एक खास उनमें एक ये हुनर भी है कि एक गजल में वो एक मिसरा उड़िया का और एक मिसरा उर्दू का लगाकर भी गजल कह सकते हैं। आइए हम सब मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको हमारे चैनल पे इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएंगे कि आप कब से शायरी के मैदान में आए और क्या क्या मतबूआत और कैसे कैसे इस सफर की शुरुआत हुई? स्कूल के जमाने से मैं लिखने पर ध्यान दिया और उसमें उड़िया में नसर लिखता था, कोई नजम नहीं लिखता था। और खास करके शुरू से ही मेरा एक कम्युनिस्टिक बैंड ऑफ माइंड जी जी, तो मेरा जितना भी जो लिखता था उसी तरह का जी इनकलाबी अंदर रही। और उसके बाद फिर पढ़ाई जब खत्म हुई मैं नौकरी में लग गया। भुवनेश्वर से कटक जाना ना हो रहा था और कटक स्टेशन में बैठा था मैं आने के लिए भुवनेश्वर। गाड़ी लेट थी, एक 10-11 साल का गरीब बच्चा जो जाके सबके पास हाथ फैला के और भीख मांग रहा था, मगर हर आदमी उसको झिड़क देता था। मैं उसको बैठ के वहां ऑब्जर्व कर रहा था। जब मेरे पास आया तो मैं उसको 1 रुपया दिया क्योंकि मुझे घर से 2 रुपया मिलता था नाश्ते के लिए। और बैठ के मैं सोचने लगा कि बेचारा बच्चा गरीब है, इसको सब झुटकी दे देते हैं, इसका गरीब होने में क्या है, कहाँ कैसे ये गरीब हुआ और इसका हालत क्या है, इसको कोई उसका कोई जायजा नहीं लेते हैं। तो वही मैं बैठा था, अचानक वो मेरे माइंड में आया तो मैं लिखा, वो 2 लाइन लिखा मैं। गमे दौरा को गले तुम भी लगा कर देखो, जो है उजड़े हुए तुम उनको बसा कर देखो, अपनी खातिर क्यों परेशान हो चींटी की तरह, क्या कहते तुम मगस बन के शहद उनको पिला कर दे। अरे क्या कहते, बहुत बहुत। आपको उस वक्त किन की शायरी स्पॉन्टेनियसली आया? जी जी, तो उसको मैं लिख दिया वहाँ। हालांकि वो रफ लिखा था, बाद में जब घर आया फिर डिक्शनरी कंसल्ट करके, क्योंकि ओरिजिनली तो मेरा उड़िया में नहीं था, उर्दू में नहीं था जी। मैं उड़िया मीडियम से आया जी, मगर उर्दू सीखने का शौक था जी। जब मैं जाके मेस में रहा कॉलेज के जमाने में, तो हम लोग वहां पर 12 आदमी रहते थे, उसमें 11 जो थे वो उर्दू मीडियम वाले। अरे मैं अकेला उड़िया। तो उन लोग सब जब बातचीत करते थे तो शेर व शायरी के साथ करते थे और मेरे समझ में उसे बात नहीं। मेरे बड़ा शौक हुआ कि मैं भी ऐसे शेर व शायरी कह के बात करूं जी। तो मेरे क्लासमेट थे, तो बाद में वो तो प्रोफेसर बने उर्दू के, वो थोड़ा
मैथमेटिक्स में कमजोर थे जी, हम लोग सब स्टुअर्ट साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेरे पास मैथमेटिक्स समझ जब आए, मैं बोले भाई तुम तो उर्दू वाले हो जी, तुम मुझे उर्दू सिखा दो जी, और उस शेर और शायरी मुझे बता, मैथमेटिक्स से बात करने का शेर और शायरी से बात करो। बेचारे 8-10 लिख दिए उसको याद कर लो आपके बात। अब जब मैं बात किया तो जिस मौजू में जो शेयर करना चाहिए वो नहीं, मुझे जो याद पड़ा मैं उसको कहा, मजाक बना जी, तो बड़ा मैं सीरियस उसके बात हो गया, मैंने मुझे उर्दू सीख कर, बस मुझे उर्दू सीखना। तो जवान लक्षा मुझे उर्दू की तालीम दिए, तो वो था, तो वो बाद में ये जो पहला जो मिश्रा थी, मैं दो शेर आपके सामने पेश किया, उसके बाद मेरे भाई के उस्ताद थे मौलाना अब्दुल लतीफ आरिफ साहब जी, बहुत अच्छे शायर भी थे, उर्दू दा भी थे, फारसी दा भी थे जी। फिर ऐसा हो गया, जो मेरी जब शादी हुई तो उन्हीं की भतीजी से हुई, अब वो मैं उनको एक दिन सुनाया जी, मैं बोला ना ये देखिए मैं उर्दू में शेर कह रहा हूँ, वो बिल्कुल यकीन नहीं किया, नहीं नहीं आप ऐसे कह सकते हैं, मैं कहा मैं कहा नहीं कहा। और मैं पशुमंजर भी बताया, तो फिर कहते हैं हाँ आपके अंदर है वो सलाहियत, मगर थोड़ा सा उसको और ये करना पड़ने की जरूरत है। तो मैं फिर वो जब ये बात मुझे बोल दिया कि आपके अंदर सलाहियत है, तो मैं थोड़ा लग गया उसके पीछे, और एक हफ्ते के अंदर वो मुकम्मल गजल लिख गया जी। और फिर इतवार के दिन उनके घर पहुंचा, मगर उन्होंने सुनिए मैं मुकम्मल के बहुत खुश हो गए, ये इतना अच्छा अच्छा वाणी आप कैसे लगा सकते हैं। मैं कहा मैंने लगा तो वो मेरे जहन में बात आती है, मैं फिर उसको डिक्शनरी तलाश करता हूँ, बहुत मेहनत किया रात रात जी, तब जाकर मैं इसको कर सकता हूँ। तो बहुत खुश हूँ, कहते आप कोशिश कीजिए आप अच्छे शायर बनेंगे जी। तो फिर मैंने कोशिश की, वो मेरी शुरुआत, उसके बाद फिर बरहमपुर में मेरा पोस्टिंग हो गया, तो जैसे इधर माहौल खत्म हो गया जी, वहां पर वो माहौल नहीं मिला। उसके बाद तो बरहमपुर में ऐसा वो उस टाइम माहौल था, जरे जरे बात पर वो गोली चल जाती थी, लोगों को मार देते थे। तो मेरे जो ऑफिस वाले थे बोले कि भाई तुम अपना ऑफिस आना, घर में रहना, बाहर निकल के मत जाना। वो ये अगर एक दफा बोल दिया तो जो मारूंगा तो मार ही देगा, तो बिल्कुल डर है सहमा मुझे वहां पर रहना पड़ा, कहीं किसी से मुलाकात मिलना जुलना सब नहीं। खैर उसके बाद फिर मेरा सेक्रेटरीट में अपॉइंटमेंट हो गया, तो मैं भुवनेश्वर आ गया। आने के बाद मौलाना से मैं करता रहा, सलाह लेता रहा, वो मेरे प्राइमरी टीचर थे जी। फिर बाद में मौलाना की तबीयत खराब हो गई, उम्र दराज थे, तो फिर वहां से भी वो कट गया। तो फिर बहुत दिनों के बाद, हालांकि उड़िया में मैं वो करता रहा, शेर शेरी करता था, बहुत दिनों के बाद डॉक्टर करामत अली साहब से, वो पहले से भी तो बिरादर थे पर इतने करीब नहीं थे, मेरा भतीजा जब उनकी लड़की से शादी किया तो कुर्बत और बढ़ गई, तो फिर मैं उनके पास गया, और वो तो हाई ग्रेड के हाईली फिलोसॉफिकल पोएट जी, और वो मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी, अब मैं प्राइमरी स्कूल का बच्चा जी, तो मेरे उतरा नहीं मेरे स्कूल, तो उनके उनके जो लड़के हैं कुतुब कामरान साहब जी, वो बोले कि मामा आप गलत टीचर को ये कर लीजिए, आप प्राइमरी के बच्चे हैं, आपने वो प्रोफेसर के पास क्यों जाता है पढ़ने, वो जो लेक्चर देंगे आप समझ सकेंगे, लाइए मैं आपको समझाता हूँ आप ऐसा शेर व शायरी करें जी जी, आपके ख्याल बहुत ऊंचे हैं मगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते जी जी। तो फिर वो मुझे बड़ा अच्छे इससे समझा दिए कि आपको इसी तरह का करना है जी। तो फिर मैं थोड़ा लिख लिख के उन्हीं से इसलिए करवाया जी, तो देखे जब मैं परफेक्ट हो गया अब अबा जी से आप करवाइए जी। तो फिर डॉक्टर करमत्री साहब वो मुझे गाइड किए,
और मैं यानी आप की शुरुआत शायरी की जो है वो उर्दू से हुई या उड़िया 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 से उड़िया में उड़िया से थी उड़िया पहले थी बाद में आपने जी जी क्योंकि मैं उर्दू में तो एमएल नहीं था जी जी एमएल आपकी उड़िया थी तो वो बाद में फिर डॉक्टर साहब ये बताइए परमा साहब बोले जो आप उड़िया में गजल लिखी जी मैं कहा उर्दू में तो मुझे इतना फर्क में इतना कर नहीं पाता उड़िया में नहीं आप उड़िया में करिए उड़िया में आप कर सकेंगे आप उड़िया में जब वो कविता लिख देते हैं जी वो लिरिक्स लिख देते हैं जी तो गजल क्यों नहीं लिखेंगे तो मेरे एक उड़िया कविता जो मैं जब हज में गया था वहाँ पर हजतुल्वदा में जी मैं वहाँ पर इसमें हरमशरी में बैठा हुआ था एक बहुत ही बुजुर्ग जो 80-85 साल के होंगे या उससे भी ज्यादा होंगे पूरा 90 डिग्री झुक गए थे जी वो तवाफ करके जा रहे थे और वो बहुत जारों पता रो रहे थे जी तो वहीं पर मेरे जहन में एक बात आई मैंने कहा अल्लाह ये बेचारा अपने नहीं आया था तूने उसको बुलाया वो आया जी अब वो जाना नहीं चाहता है तो तेरे पास क्या जगह की कमी है जी तो उसको यहाँ रख ले तो उसके लिए इंतजाम कर दे कितना बेचारा रोता है तेरा दिल पिघलता नहीं है जी तो इस तरह का एक मेरे माइंड में बात आई जी तो मैं वहीं बैठे बैठे वो उड़िया में लिखा जी तो डाकी थिलू गुली आसी थिली घाई लबैक पढ़ी पढ़ी है अल्लाह गोसाई तो घर घर छाड़ी जीवा को मन बड़ू नहीं मन बड़ू नहीं वो पाद छोड़ू नहीं बहुत बढ़िया बहुत इसको लिखा था जबरदस्त जब मैं आया तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम मौलाना करामत अली साहब को मैं सुनाया इनकी बहुत बढ़िया हुआ और मैं उसको पूरा तरन्नुम से गा के उनको सुनाया बोले कि इसको डेवलप करो पूरा कंप्लीट करो तो मैं वो जो जी वो जो लिखा था उसको पढ़ के सुनिए उसको मैं आप लोगों को पढ़ के एक दो शेर सुनाता हूँ जी जी तू डाकी थिलो बोली आसी थिली धान तू डाकी थिलो बोली आसी थिली धान लबैक पढ़ी पढ़ी हे अल्लाह गोसाई तो घर छाड़ी जीवा को मन बड़ू नहीं मन बड़ू नहीं कि पद चढ़ू नहीं मन बड़ू नहीं कि पद चढ़ू नहीं मन बड़ू नहीं कि पद चढ़ू नहीं तू डाकी थिलो बोली आसी थिली धाई लबैक पढ़ी पढ़ी हे अल्लाह गोसाई लभिली सकल दुख तू काबाकु देखी भूलिली सकल दुख तू काबाकु देखी लभिली सरग सुख ता सोबानी रेखी मकामे इब्राहिम पाशे तू गुण को गाई गाई करी न परी बियाऊ सफा मरुवार सई हर मर जानक तो घर छाड़ी जीवा को मन बड़ू नहीं मन नहीं कि पद चढ़ू मन बड़ू नहीं कि पद चढ़ू नहीं तू डाकी थिलू बोली आसी थिली धाई
लबैक पढ़ी पढ़ी हे अल्लाह गोसाई तवाफ विधि टी तोर केड़े मनोहर करुणा झरई जही सदा निरंतर मुल्तजी ने नयन रु लोतक जराई आओ न परिबी तोते गुहारी जोड़ाई जम जम कुआ पानी मोते छाड़ू नाही तो घर छाड़ी जीवा को मन बड़ू नाही मन बड़ू नाही कि मो पाद चढ़ू नाही मन बड़ू नाही कि मो पाद चढ़ू नाही तू डाकिलु बोली आसी धाई लबैक पढ़ी पढ़ी हे अल्लाह गोसाई मने पड़ी बटी जेबे हरम शरीफ केमिति चापिब कोह ये अधम गरीब मताफरे इमामंत मधुर किरात सुनी न परिबी दूरु होई भी निराश अबुझा मनोटी मोर जमा बुझु नाही तो घर छाड़ी जीवा को मन बड़ु नाही मन बड़ु नाही कि माद चलू नाही मन बड़ो नाही कि मो पाद चलू नाही तू डाकिलु बोली आसीली धाई लबैक पढ़ी पढ़ी हे अल्लाह गोसाई।